तो इस बारे में कुछ अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई है? अधिकारियों को पता है, अधिकारी पढ़े लेकिन उनको पता है सिद्धांत के दायरे में किस आदमी की क्या पावर्स है, किस आदमी की क्या गरिमा है, उस विधान के दायरे में रहकर सारे काम करेंगे। अधिकारी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तीन मंत्रियों का प्रस्ताव रखा गया था, तीन मंत्री जेजेपी के लेने थे, क्या कारण रहा है इसका? क्या कोई अंदरूनी मार भी है? नहीं, अंदरूनी मार नहीं, हमने एक हमारा मंत्री बना लिया है, आगे पार्टी विचार में उसे दो मंत्री और मंगवाएंगे। यहाँ पे जो एक चर्चा है कि सुभाष बराला जो वो रोड़े अटका रहे हैं कि उसमें आप मंत्री ना बने, आपका नाम पहले नंबर पे था। मेरे को लगता है कोई ऐसी सोच रखता है कि तुम्हारे की तरक्की ना हो, ऐसी सोच मुझे लगता है कि कोई ऐसी छोटी सोच के साथ काम करता होगा, और वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही है, वो हमारी पार्टी का अधिकार, क्योंकि ये पूरे पूरे प्रदेश में चर्चा है। उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जो सुनील चौधरी जी फैसला लेंगे, हमें हमारे उनको पार्टी का नेता सुना है और सर्व समिति से हमने सब विधायक सुना था, तो उनके विवेक से उन्होंने फैसला लेना, वो अच्छा फैसला लेंगे। वो कह के भी गए आपको, आपने सभा में सुना भी होगा, टोड़ा की ताकत टोड़ा के पास आएगी, टोड़ा की तरक्की नहीं रुकेगी। सर आप जब विधायक अभी तक नहीं बने थे तो आप अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे पास एक प्लानिंग है, जैसे एक शिकायत करता भी आता है, विभाग में तो जाता ही है, वहाँ उसकी वही सुनवाई होती है, तो आपके कार्यालय में भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पे पॉइंट बनाया जाएगा ताकि वहाँ आपकी शिकायत दर्ज करवा सके? बिल्कुल, मैंने आपने ध्यान भी दिया, उससे पहले भी अगर 10-11 साल का आप मेरा टाइम पीरियड देखेंगे, जो सोशल वर्किंग के तहत आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, एक विश्वास पूरे टोहाना के जनता ने अपने भाई बेटे लोग ने देख लिया, और हमने पिछले दिनों मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो का प्रोग्राम किया, उसके लिए हमने एक टीम लगाई थी, एक न्यूट्रल सर्वे था, एक टीम हमारी तरफ से गई थी, वो दोनों टीमें हमने यहाँ करके चली थी, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि मेरे टोहाना का, वैसे मोटा मोटा हमें पता था 11 साल से आप लोगों को, उसके बाद भी हम बड़ी बुरीकी में गई कि ताकि हम जब लोग हमें आशीर्वाद दें और हम जब लोगों की सेवा करने के लिए आप हमें विधानसभा कहते हैं, तो मैं एक भी दिन एक भी घंटा पर वेस्ट करूँ। वो पूरा का पूरा एक मैनिफेस्टो आपने पढ़ा भी होगा, हमारी रैली थी तो भी मैंने कृष्ण जी को सौंपने का काम किया, तो वो हम पूरा खाका तैयार कर चुके हैं, और इसके आगे बढ़ के मैं काम और करने जा रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, ना तो हमें मुझे ये कहने में कोई ना तो वर्कशॉप लगती है। अब जैसे कोई भी कानून बना, सपोज कीजिए अभी हमारे ट्रैफिक रूल बना, उसमें जो हमारे चलान थे इनकी काफी हैवी चलान होते सरकार ने किए कि शायद लोग उससे अपने डिसिप्लिन में आ जाएंगे, लेकिन वो मैं जरूर समझ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें वर्कशॉप लगानी पड़ेगी, उन लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा और कानून के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। अब यह सिर्फ एक रिकवरी करना सरकार की मंशा नहीं है कि अब बड़ा चलान काट के रिकवरी करें, लेकिन उन अधिकारियों की भी ट्रेनिंग सेशन हो, साथ में आम जनता का भी एक वर्कशॉप लगे जिसमें हम उनको अवेयर कर सके कि सुरक्षा सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अब हेलमेट के बिना अगर कोई मोटरसाइकिल चलाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान एक बात आई थी कि पिछले जो विकास कार्यों में कुछ धांधली है, तो क्या अब देवेंद्र बबली के बनने से विकास कार्यों में जो धांधली हुई है जिसकी जांच हो गई थी? देखिए, ये जो जैसा करता है वैसा ही बन लेगा, एक अदालत तो जनता की अदालत है, वहां जनता तो क्या पता एक बार आपको माफ भी कर दे, एक अदालत ऊपर भी है, जो ऊपर अदालत है वहां जवाब देना पड़ता है। आदमी जब अपनी कॉन्शियंस को सोच के एक बार काम करेगा, मैं ये मानता हूं जो इंसान है जिसमें इंसानियत है वो शायद ये गलतियां ना करे, और अगर किसी ने कर लोगी तो भरपाई खुद भरेगा। मैं अपना जो एनर्जी है वो नेगेटिव दिशा में ना लगा, मैं पॉजिटिव दिशा में लगा के जो तवाना हल्के की मूलभूत सुविधाओं का वादा हमने जनता की सेवा करते हुए किया, और जिस विश्वास के साथ जनता ने ये जनमत दिया, बबली टोहाना को तरक्की की तरफ बढ़ाने में काम करेगा, किसी के गड्ढे मुर्दे उखाड़ने में बबली का कोई ट्रेन। तो इस बारे में कुछ अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई है? अधिकारियों को पता है, अधिकारी पढ़े लेकिन उनको पता है संविधान के दायरे में किस आदमी की क्या पावर्स है, किस आदमी की क्या गरिमा है, उस विधान के दायरे में रहकर सारे काम करेंगे। अधिकारी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तीन मंत्रियों का प्रस्ताव रखा गया था, तीन मंत्री जेजेपी के लेने थे, क्या कारण रहा है इसका? क्या कोई अंदरूनी मार भी है? कोई नहीं, कोई अंदरूनी मार नहीं, हमने एक हमारा मंत्री बना लिया है, आगे पार्टी विचार में उसके दो मंत्री और मनवा लेंगे। यहाँ पे जो एक चर्चा है कि सुभाष बराला जो वो रोड़े अटका रहे हैं कि उसमें आप मंत्री ना बने, आपका नाम पहले नंबर पे था। मेरे को लगता है कि कोई ऐसी सोच रख सकता है कि तुम्हारे की तरक्की ना हो, ऐसी सोच मुझे लगता है कि कोई ऐसी छोटी सोच के साथ काम करता होगा, और वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही है, वो
हमारी पार्टी का अधिकार है, क्योंकि ये पूरे पूरे प्रदेश में चर्चा है। उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी फैसला लेंगे, क्योंकि वो हमारे हमने उनको पार्टी का नेता चुना है, सर्वसम्मति से हमने सब विधायकों ने मिलकर चुना था, तो उनके विवेक से उन्होंने फैसला लेना और अच्छा फैसला लेंगे। वो कह के भी गए हैं, आपको आपने सभा में सुना भी होगा, टोहाने की ताकत टोहाने के पास आएगी, टोहाने की तरक्की नहीं रुकेगी। सर आप जब विधायक अभी तक नहीं बने थे तो आप अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे पास एक प्लानिंग है कि जैसे एक शिकायतकर्ता कोई आता है, विभाग में तो जाता ही है, वहां उसकी नहीं सुनवाई होती, तो आपके कार्यालय में भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वहां पे पॉइंट बनाया जाएगा ताकि वहां अपनी शिकायत दर्ज करवा सके वो। बिल्कुल समाधान, बिल्कुल मैंने आपने ध्यान भी दिया होगा, चुनाव से पहले भी अगर 10-11 साल का आप मेरा टाइम पीरियड देखेंगे, जो सोशल वर्किंग के तहत आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, एक विश्वास पूरे टोहाना की जनता ने अपने भाई बेटे को भी दे दिया, और हमने पिछले दिनों मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो का प्रोग्राम था, उसमें हमने एक टीम लगाई थी, एक न्यूट्रल सर्वे था, एक टीम हमारी तरफ से गई थी, वो दोनों टीमें हमने यहां करके छोड़ी हुई थी। उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि मेरे टोहाना हल्का की, वैसे तो मोटा मोटा हमें पता था 11 साल से आप लोगों की, उसके बाद भी हम बड़ी बारीकी में गए कि ताकि हम जब लोग हमें आशीर्वाद दें और हम जब लोगों की सेवा करने के लिए आप हमें विधानसभा पे दें, तो मैं एक भी दिन एक भी घंटा अपना वेस्ट ना करूं। वो पूरा का पूरा एक मैनिफेस्टो आपने पढ़ा भी होगा, हमने यहाँ उस दिन जब हमारी रैली थी तो भी मैंने दुष्यंत जी को भी सौंपने का काम किया, तो वो हम पूरा खाका तैयार कर चुके हैं, और इसके आगे बढ़ के मैं काम और करने जा रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। ना तो हमें मुझे ये कहने में कोई ना तो वर्कशॉप लगती है, अब जैसे कोई भी कानून बना, सपोज कीजिए अभी हमारे ट्रैफिक रूल बना, उसमें जो हमारे चलान थे इनकी काफी हैवी चलान होते सरकार ने किए कि शायद लोग उससे अपने डिसिप्लिन में आ जाएंगे, लेकिन वो मैं जरूर समझ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें वर्कशॉप लगानी पड़ेगी, उन लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा और कानून के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। अब यह सिर्फ एक रिकवरी करना सरकार की मंशा नहीं है कि अब बड़ा चलान काट के रिकवरी करें, लेकिन उन अधिकारियों की भी ट्रेनिंग सेशन हो, साथ में आम जनता का भी एक वर्कशॉप लगे जिसमें हम उनको अवेयर कर सकें कि सुरक्षा सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अब हेलमेट के बिना अगर कोई मोटरसाइकिल चलाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान एक बात आई थी कि पिछले जो विकास कार्यों में कुछ धांधली है, तो क्या अब देवेंद्र बबली के बनने से विकास कार्य में जो धांधली हुई है जिसकी जांच हो गई थी? देखिए ये जो जैसा करता वैसा ही बदले, एक अदालत तो जनता की अदालत है, वहां जनता तो क्या पता एक बार आपको माफ भी कर दे, एक अदालत ऊपर भी है, जो ऊपर अदालत है वहां जवाब देना पड़ता है। आदमी जब अपनी कॉन्शियंस को सोच के एक बार काम करेगा, मैं ये मानता हूं जो इंसान है जिसमें इंसानियत है वो शायद ये गलतियां ना करे, और अगर किसी ने करी होगी तो भरपाई खुद भरेगा। मैं अपना जो एनर्जी है वो नेगेटिव दिशा में ना लगा, मैं पॉजिटिव दिशा में लगा के जो टोहाना हल्के की मूलभूत सुविधाओं का वादा हमने जनता की सेवा करते हुए किया, और जिस विश्वास के साथ जनता ने ये जनमत दिया, बबली टोहाना को तरक्की की तरफ बढ़ाने में काम करेगा, किसी के गड्ढे मुर्दे उखाड़ने में बबली का कोई इंटरेस्ट नहीं।